जी कितने आ गए स्टूडेंट्स? 8 आ गए ना। पल्ला ये क्या है? क्या हुआ? क्या क्या है? सारी नोट्स को कह रही थी। हाँ तो ये नोट्स के मैंने आपको बता तो दिया है स्टार्ट में, ये आपने पढ़ने हैं, यही तो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। जी सर। अच्छा चले जी, अब हम बात करते हैं जो सेकंड काइंड जिसकी अभी हमने बात की थी, वो उसको इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तो इसने इसका नाम कंडीशनिंग रखा था। उसने कहा था कि प्लांट के सेल की ना कुछ कंडीशनिंग हो गई है, उस कंडीशनिंग की वजह से उसके अंदर कुछ परमानेंट चेंजेस आ गई हैं। अब वो जो परमानेंट चेंजेस हैं, चूंकि वो डीएनए लेवल पे नहीं है तो फिर वो कैसे आ गई? उसकी एक ही पॉसिबिलिटी नजर आती है कि वो सबसे पहले डीएनए से आरएनए बना, वो किसी और जीन का आरएनए था, ठीक है ना, उसके बाद उस आरएनए में म्यूटेशन हो गई और वह न्यू काइंड का आरएनए बन गया, और उसने फिर न्यू जो है ना वो जीन को न्यू प्रोटीन बनाई, तो उसने फिर जाके इफेक्ट किया और वही उसकी जो ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स था फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग वो हुआ यूजिंग दैट मैसेंजर आरएनए। जीन नहीं है पीछे लेकिन मैसेंजर आरएनए से ट्रांसफर हो गया, एक पॉसिबिलिटी उसके अंदर उसने ये बताई। दूसरा उसने कहा कि ये जो इन्वायरमेंट था उसने ऐसी म्यूटेशन काज की है कि उसने कोई परमानेंट इफेक्ट कर दिया है प्लांट के ऊपर, उस परमानेंट इफेक्ट की वजह से एक्चुअली एक्चुअल में उस प्लांट के साथ क्या हुआ कि उस प्लांट के अंदर जितने भी वो जो जीन था उसका एक्चुअल उस जीन को होना ये चाहिए था कि जिस वक्त वो कंडीशन या वो इन्वायरमेंट खत्म हो गया तो उसको डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए था। अमूमन इंट्रैक्शन के अंदर ऐसे ही होता है ना, आप लोगों को याद होगा कि अगर हम प्लांट को कोई आप कह लें कि स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दें तो क्या होता है, वो एक्सप्रेशन देता है, लेकिन जब वो इन्वायरमेंट खत्म हो जाए तो क्या होता है, वो एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है, नहीं देता। ऐसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ अभी इस वक्त अगर मैं फैन ऑफ कर दूं तो क्या होगा, गर्मी की वजह से पसीना आएगा हमें, राइट? ये जीन एक्टिवेट हुआ था, अब अगर अगेन मैं फैन ऑन कर दूं तो क्या होगा, पसीना खत्म हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि फैन ऑन भी हो गया लेकिन पसीना कंटिन्यू रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट था उसने टेम्पोरली जीन्स को अफेक्ट किया, लेकिन ये जो सेकंड मैंने आपको एग्जाम्पल टाइप बताई, सेकंड टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बताया, इसके अंदर क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट है उसने परमानेंटली इफेक्ट कर दिया उसको अपना जीन को। अब जब परमानेंटली इफेक्ट हो गया तो उसको हम म्यूटेशन मोस्टली बोलते हैं, म्यूटेशन के अलावा और भी पॉसिबिलिटी है, इसको हम अपना सिलेक्शन प्रेशर का नाम भी देते हैं, इसको हम जो है ना वो ड्रिफ्ट का नाम भी देते हैं, ठीक है ना, तो वो एवोल्यूशनरी टर्म्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, उधर हम अभी नहीं जाते। तो सेकंड, जी जी बोलो सर, ये कंडीशनिंग वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि सर आरएनए में अगर कुछ चेंजिंग आई है वो, लेकिन आरएनए नेक्स्ट जनरेशन में तो नहीं ट्रांसफर होता, वो तो डीएनए ट्रांसफर होता है। क्यों नहीं ट्रांसफर होता सर? वो डीएनए जस्ट ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो उससे आरएनए बनते हैं। आरएनए ट्रांसफर नहीं हो सकता सर? नहीं होता सर, आरएनए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर। है एक पॉसिबिलिटी। वेरी गुड। कि सर अगर फीमेल में, अगर फीमेल में होगा तो सर उधर से साइटोप्लाज्म आएगा, साइटोप्लाज्म के साथ वो आरएनए भी आएगा। ओके सर, वैसे हो सकता है। मेल में कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती? मेल में सर, मेल में तो सर वो साइटोप्लाज्म में होगा आरएनए। एक मिनट रुक जाओ, मेल के अंदर क्या होता है? नो, वेट अ मिनट, मेल के अंदर क्या पॉसिबिलिटी होती है? मेल का जो पोलन है, पोलन क्या होता है एक्चुअली? सेल नहीं होता? यस सर, उसका भी साइटोप्लाज्म तो होता है,
फिर वो तो न्यूक्लियस होता है पोलन। नहीं 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 साइटोप्लाज्म नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, या अगर होता भी है तो आगे जो ट्रांसफर होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसफर। यस सर, न्यूक्लियस ही ट्रांसफर होता है, ऐसे होता है ना। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा मैसेंजर आरएनए जो कि सेल ने बनाया था और वो मैसेंजर आरएनए डीएनए के अंदर मौजूद था उस वक्त, सॉरी नॉट डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था उस वक्त, और वह न्यूक्लियस जब ट्रांसफर हुआ, जब उसने जाके जाइगोट सॉरी एग के साथ जब वो कंबाइन हुआ तो उस न्यूक्लियस के साथ वो मैसेंजर आरएनए भी चला गया। पॉसिबल है ना। अब वो जो मैसेंजर आरएनए वो कम होंगे, एक होगा, दो होंगे, दस होंगे, पंद्रह होंगे, कम होंगे काफी, और वो डेफिनेटली कुछ ऐसे के बाद उसकी डिग्रेडेशन भी हो जाएगी, लेकिन वो एक दफा ट्रांसफर हो जाएगा। जब वो ट्रांसफर हो जाएगा तो अपनी कोई ना कोई प्रोटीन वो बना लेगा, प्रोटीन की थोड़ी सी लाइफ ज्यादा होती है कंपेयर टू मैसेंजर आरएनए, तो वो प्रोटीन आगे एक्सप्रेस हो जाएगी, मौजूद होगी उसके अंदर, प्लांट के अंदर। कुछ ऐसी प्रोटीन भी हैं जो कि काफी ज्यादा ऐसे के लिए मौजूद होती हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा सर, ये एक दो जनरेशन तक चल जाएगा काम? हाँ, एक दो जनरेशन तक पॉसिबल है। हमने अभी तक एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन तक की बात किया, उससे नेक्स्ट तो बात ही नहीं की ना हमने, उससे नेक्स्ट हम नहीं गए, जस्ट वन जनरेशन तक की बात है। ठीक है ना, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर। क्लियर है भाई? ठीक हो गया। तो ये दो केसेस थे या दो काइंड ऑफ एनवायरमेंट इनटू जीनोटाइप इंटरेक्शन था, दो तरह का था, एक टेम्पररी और दूसरा परमानेंट। सर लमार की बात भी किसी हद तक ठीक थी वैसे? लमार की बात किसी हद तक डेफिनेटली ठीक थी, उसकी एग्जांपल गलत थी, उसकी एग्जांपल गलत थी, थ्योरी ठीक थी। सर लगाया उसने भी वैसे तुक्का ही था, तुक्के से ही काम चलता है आगे बैठ के कोई जो ना। अब ये इस बुक को आप जब पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा कि इसने कितने तुक्के लगाए हैं जो सारे सही हैं आज हम जानते हैं। सर उसने ना सोमेटिक चेंजिंग को ट्रांसफर की बात की थी, हेरिडिटी चेंजिंग की ट्रांसफर की नहीं बात की थी सर, इसलिए वो गलत मानी जाती है उसकी थ्योरी। उसने अच्छा अच्छा सो उसने क्या कहा था, मेंडल ने सॉरी लमार्क ने क्या कहा था? सर उसने कहा था जो एक्वायर्ड करते करेक्टर वो ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। हाँ, सर तो वो लेकिन सर लेकिन जो एग्जांपल जिराफ के दी थी तो वो तो सोमेटिक में चेंज आई थी ना, वो जेनेटिक में नहीं आई थी। जो उसने, मैंने भी यही कहा कि जो उसने एग्जांपल दी थी वो गलत थी, लेकिन जो उसने थ्योरी दी थी वो ठीक थी। थ्योरी उसने क्या दी थी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ड्यूरिंग द लाइफ कैन बी ट्रांसफर्ड। एक्वायर्ड कैरेक्टर का क्या मतलब है कि एक डीएनए था, उससे मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए में चेंज हो गई, उस चेंज की वजह से एक नई प्रोटीन बन गई। अब ये जो नई प्रोटीन है यही एक्सप्रेशन है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, तो ये जो नई प्रोटीन बनी हुई है यही उसका एक्सप्रेशन है, यही उसका करैक्टर है, यही वो एक्वायर्ड करैक्टर है जिसकी वो बात करता है। जी सर। यही जो नेक्स्ट जनरेशन है ट्रांसफर हो गया। जी सर, ठीक है सर। तो उसकी मतलब जो आज में हम यही बात करते हैं ना कि जो आरएनए है वो भी ट्रांसफर होता है, तो उसके अंदर उसकी थ्योरी के एंगल से अगर बात करें तो वो तो ठीक है, बट उसकी एग्जांपल डेफिनेटली गलत है। अच्छा चलें जी, तो आज समराइज करता हूँ, सम अप करता हूँ, उसके बाद फिनिश करते हैं। आज हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशंस की बात की। पहले नंबर पे जीनिक वेरिएशन थी, तो जीनिक वेरिएशन के अंदर मजीद आगे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी। डोमिनेंस की बात थी, एडिटिवनेस की थी, पार्शियल डोमिनेंस की थी, को डोमिनेंस की थी, ओवर डोमिनेंस की थी, और एपिस्टेसिस की थी। एपिस्टेसिस के अंदर अगेन तीन पॉसिबिलिटीज थी, एडिटिव इनटू एडिटिव, एडिटिव इनटू डोमिनेंट, और डोमिनेंट इनटू डोमिनेंट। इनमें एडिटिव इनटू एडिटिव फिक्सेबल है, बकाया जो दोनों है वो नॉन फिक्सेबल है। जब भी फिक्सेबल वेरिएशन आएगी तो हम वैरायटी बनाएंगे, जब भी नॉन फिक्सेबल आएगी तो हम हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे। अच्छा, अब आगे चले जाए सेकेंड काइंड ऑफ वेरिएशन, दैट इज प्लाज्मेटिक या प्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक। तो वो माइटोकॉन्ड्रियल जीन की वजह से होती है, वो सिर्फ फीमेल की वजह से या मैटरनल की वजह से होती है। थर्ड आखिरी पे आ जाए, दैट इज एनवायरमेंट इनटू जीनोटाइप इंटरेक्शन। उसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक में टेम्पररीली इफेक्ट होता है, दूसरे के अंदर
परमानेंटली इफेक्ट होता है, जिसमें टेम्पररी इफेक्ट होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता, और जिसमें परमानेंट इफेक्ट होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू जीनिक वेरिएशन। जीनिक वेरिएशन के तहत ट्रांसफर नहीं होता, नॉन जीनिक के तहत ट्रांसफर होता है, जिसके अंदर हमने बात की है प्रोटीन भी आ सकती है, मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, और उसका नाम कंडीशनिंग रखा था उस वक्त जिस बंदे ने वो एक्सपेरिमेंट किया था। अब उसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे उसका नाम ड्यूरेंट था, DURRANT, लेकिन उसका नाम रहने दे, जस्ट कंडीशनिंग आपको पता हो कि कंडीशन होती क्या है, राइट सर? जी बोलो सर। वो एक क्वेश्चन था कि अगर वो जेनेटिक्स में एनवायरमेंट की वजह से चेंज आती है तो वो तो सर, और वो फिक्सेबल हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में फिक्स होती है वो चेंज सर, लेकिन वो तो फिर हम एनवायरमेंट की जगह जेनेटिक में भी काउंट कर सकते हैं। जो तो मैंने यही कहा कि जो एनवायरमेंट की वजह से जीनोटाइप चेंज हो गई वो तो जीनिक में आ गया ना। यस सर, वो तो म्यूटेशन होके वो तो जीनिक में चला गया, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, जीनिक की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो कि जीनिक नहीं है, अदर देन जीनिक है। यस सर, ठीक हो गया। जो तो डीएनए में चेंज आ गई वो तो जीनिक में चला गया। यस सर, उसकी तो कहानी खत्म हो गई ना, वो तो परमानेंट हो गया ना जीन के साथ। उसका तो डीएनए का सबूत मिल गया हमें, यहाँ पे डीएनए का सबूत नहीं है। यस सर जी, एनी अदर कोई और क्वेश्चन इसमें से?